किसान भाइयों, आज काफ़ी दिनों के बाद सोनालिका DI 45 मिला है, 745। किसान भाई थोड़ी जानकारी देंगे, ये कौन सा मॉडल है? ये 2004। जब से नया लिया था आपने? ये कोरोना का डर के मारो आने सही बात है। तो 400 अब तक कितने घंटे चल के हो गए? घंटे का हिसाब नहीं, अंदाजा। अच्छा, इंजन कराया नहीं कराया इसका भी? बढ़िया काम कर रहा है, कोई शिकायत? चलाइए दाब के टायर तो गिरवा दी रखे हैं ना वे किसान भाइयों, नए टायर गिरवा चुके हैं। नो का डीलर है हमारे यहाँ, नो का ही डीलर ज़्यादा चलता है। कारण क्या है? एक तो गाँव में जाना पड़ता है, गाँव के रास्ते थोड़े तंग होते हैं, और फिर खेतों में भी ऐसा ही है, दो दो ढाई ढाई बीघे खेत टुकड़े बना रखे। छोटे खेत इसलिए हैं कि बिजलियाँ जो हैं हमारी ट्यूबवेल जो है, मान लिया 18 घंटे आए, 9 घंटे दिन में 9 रात को, पहले आया करती थी 5-5, 6-6 घंटे, तो एक शिफ्ट में पूरा खेत भर जाता ढाई तीन बीघे का, तो इसलिए छोटे रखने पड़ते हैं खेत। तो दोस्तों आप चाल देखिए सोनालिका की, अब तो ये आने कम से हो गई है। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है ये, जिटोली गांव का ट्रैक्टर है। इन्होंने यहाँ ज़मीन मोल ली है और क्या शानदार आवाज़ है। ट्रैक्टर की आवाज़ आपने सुनी ली, 3 सिलेंडर हैं। मेरे ख्याल में 10,000 घंटे चल गया होगा, क्योंकि इसका एक बार टायर बदल चुके हैं। अब इन्होंने पेड़ी जोती है, इसमें फिर दोबारा गन्ना बोएंगे। हमारे यहाँ गन्ने का क्रेज ज़्यादा है, कारण क्या है? शुगर फैक्ट्री निकट है। एक फ़ायदा हो रहा है, हमारी दोराला फैक्ट्री का पेमेंट बढ़िया है, 1 महीना बाद तक चलता रहता है। कुछ फैक्ट्रियों में तो पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया, तो किसान को बचो ना बचो, जो पुराना पैसा वो नया होगा खाते में आ जाओ। और जब मैसेज आवे ना फ़ोन पे और पढ़ ले किसान, तो सारा हारपण दूर हो जाओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। नमस्कार।